नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में सीएम योगी हुए शामिल, हार की समीक्षा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश महामंत्रियों व क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक कर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति तय की। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में उन्होंने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की भी समीक्षा की। इसके बाद हुई कोर कमेटी की बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उपचुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को इस बार 33 सीटों पर ही जीत मिल सकी है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 52 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ सभी सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा था, लेकिन परिणाम उम्मीदों से विपरीत आए। प्रदेश अध्यक्ष ने तैयार की थी 40 टीमों की टास्क फोर्स। नतीजतन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने हार के कारणों की सही जानकारी जुटाने के लिए टास्क फोर्स की 40 टीमों का गठन किया था। एक टीम को 2 लोकसभा सीटों की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। टास्क फोर्स की टीमों ने बीते महीने ही अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंप दी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी व प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने भी कई सीटों पर हार के कारणों की पड़ताल की थी। पार्टी मुख्यालय में शनिवार को राष्ट्रीय महामंत्री ने बैठक में लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा की। उन्होंने हारी हुई सभी सीटों पर हार के कारण जाने। बताए गए ये हार के कारण सूत्रों के अनुसार प्रदेश महामंत्रियों व क्षेत्रीय अध्यक्षों ने कहा कि कई सीटों पर उम्मीदवारों के विरोध के कारण हार हुई है। कुछ सीटों पर उम्मीदवारों व विधायकों में तालमेल की कमी के चलते हार हुई है। कुछ विधायक खुद लोकसभा चुनाव में टिकट के दावेदार थे, उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी के साथ नहीं चले। इसी प्रकार कई सीटों पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सामने आई है। कुछ सीटों पर भीतरघात के चलते पार्टी की हार हुई है। बैठक में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों पर भी मंथन किया गया। कोर कमेटी की दूसरी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक के अलावा प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश महामंत्री शामिल थे। करीब 1.5 घंटा चली बैठक में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन किया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।